हाँ हेलो। किसी को इको तो नहीं आ रहा ना? इको मीन्स रिकॉर्डिंग इज इन द बैकग्राउंड। ठीक है, सो देखते हैं होता नहीं होता दैट। बाद में बात कर लेना फोन पे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपका हो रहा है। तो जैसे उसके बाद जो स्ट्रिंग होती है, आपको स्ट्रिंग में एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें आपको लेंथ को देना ही देना है। ठीक है, एंड देन उसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। अभी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जब हमने ये टेबल बना दिया था, टेबल बना दिया हमने, टेबल बनाना सबको आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको दैट डिस्क्राइब करते हैं इसको, लाइक उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें मतलब कॉलम्स में क्या चीजें उसमें मतलब बेसिकली हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये एरर क्यों आया अभी? जैसे मैंने ये डिस्क्राइब करा, बट ये एरर आ रहा है। व्हाई दिस एरर इज कमिंग? कोई रिजॉल्व कर सकता है इस एरर को? कोई रिजॉल्व कर पाएगा इस एरर को? बताइए एनीबॉडी, बताइए। नहीं, टेबल आएगा कहां पर? यूजर टेबल आएगा कहां पर? आएगा यूजर टेबल। अच्छा, डिस्क्राइब यूजर के बाद एक बार देखिए आप लोग ना अपना मीटिंग को वहां देखिए, वो सब क्लोज करिए, इको हो रहा है। हाँ देखिए, अच्छा कहां पे? यहाँ पे टेबल आएगा। पहले आप एक काम करो, एरर पढ़ो। एरर क्या है? पढ़ो एरर। बताओ एरर, ये एरर क्या है? कैन यू मीन्स रीड द एरर? क्या लिखा है? नो डेटाबेस सिलेक्टेड, सिलेक्ट द डिफॉल्ट डीबी टू यूज डबल क्लिक, ऐसा कुछ कह रहा है ना? मतलब जब भी आप क्या करते हो, जैसे मैंने ऑफ कर दिया था सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस हमने बनाया हुआ है। क्या बना था हमारा डेटाबेस? SMS INT, राइट? है ना, ये हमारा डेटाबेस, समथिंग समवेयर हेयर, ये हमारा डेटाबेस है। तो ये जैसे मैंने कनेक्शन को क्लोज करा, आज मैंने फिर से कनेक्ट करा है, तो मुझे रोज जब भी मैं दोबारा कनेक्ट करूंगी, ठीक है, ऑलवेज आपको, तो हमें डेटाबेस को सबसे पहले यूज करना पड़ता है। जब तक वो क्वेरी नहीं चलेगी, तब तक ये नहीं होगा आगे। ओके, सो आई हैव टू यूज, ठीक है, आई हैव टू यूज दिस। तो हम क्या करेंगे? यूज SMS INT, और जब भी आपकी कोई क्वेरी खत्म होती है तो आप क्या लगाते हैं? सेमी कोलन लगाते हैं, एंड देन उस क्वेरी को आप चला दो। अब जाके इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो ये रन हो रहा है। ओके, तो जब भी आप क्या करते हो, दोबारा से कनेक्ट करते हो, कनेक्शन दोबारा से स्टेब्लिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? दोबारा से यूज डेटाबेस की क्वेरी हम चलाएंगे। मींस उसको पता नहीं है कि कौन से डेटाबेस को हमने यूज करना है। अब पता चल गया किस डेटाबेस के अंदर जाना है, मतलब उसे SMS INT के अंदर जाना है। जैसे हमने बोला था ना आपको, आप मूवीज के फोल्डर बनाएंगे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ठीक है, पहाड़ी। अब आपको पहाड़ी में जाना है, पहाड़ी वाली मूवीज देखनी है, तो उस वाले डेटाबेस के अंदर पहले जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी मूवी का नाम ले रहे हो, आपका कंप्यूटर हो गया कंफ्यूज, भाई कहाँ है, नहीं पता उसको, है ना? तो उसको पहले जाना पड़ेगा कौन सा वाला। आप बोलोगे ना ये वाला फोल्डर, ठीक है, आप उसको पता नहीं कौन सा फोल्डर, ये फोल्डर तो बहुत जगह है, तो उसको बताना पड़ेगा। तो हमने बोला यूज, जैसे हमने यूज करा, हम इस वाले डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। अब इसके अंदर जितनी टेबल्स होंगी, जो जो हम क्वेरी करेंगे, अकॉर्डिंगली वो क्वेरी चलती रहेगी। गॉट इट? अब देखो, ठीक है, अब हमने लास्ट डे ये भी करा था दैट इंसर्ट क्वेरी एक चला दी थी, और कुछ इंसर्ट ऐसे ही करते हैं, इंसर्ट इनटू देन टेबल का नेम। ओके, कैसे करते हैं इंसर्ट? पहले इंसर्ट इनटू लिखते हैं, ठीक है,
दैट इंसर्ट इन टू देन टेबल का नेम, जिस टेबल में आपने वैल्यू को इंसर्ट करना है. उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे पैरेंथिस, दीज आर कॉल्ड पैरेंथिस, ठीक है. देन उसके अंदर हम उन कॉलम के नेम लिख देते हैं जिन कॉलम्स में हमने क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है. देन उसके बाद हम वैल्यूज लिखते हैं और उसके बाद ये पैरेंथिस के अंदर, वैसे ना इनको टपल कहते हैं, अगर मैं पाइथन की भाषा में बोलूं, प्रोग्रामिंग की भाषा में ही बोलूं, तो ये एक तरीके से टपल है. टपल भी एक तरीके का क्या होता है, कलेक्शन होता है. क्या होता है, कलेक्शन. अच्छा, आपके पास ड्रेसेस के कलेक्शन होंगे, है ना, ड्रेसेस के कलेक्शंस लाइक, और आपके पास कुछ किसी को नोवेल पढ़ने का शौक होगा तो नोवेल के कलेक्शंस होंगे. तो वो सब अगर आप बोलोगे मेरे पास, आपने एक लिस्ट बना के रख दी, आपने लिखा कि मेरे पास ये, जैसे हमने लिखा नेम लिख के कॉमा करके सेपरेट करा और उनको ये पैरेंथिस के अंदर रख दिया, तो एक टपल बन गया, एक कलेक्शन बन गया. मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ, नोवल इक्वल टू, ये आपके पास सारी नोवल्स हैं, ऐसे ही टपल्स होते हैं. तो हम इसके वैल्यूज के भी टपल बनाते हैं. आया समझ में, टपल पढ़ा है ना पाइथन में, अपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, वर्ड सुना है टपल, हाँ, तो ये वही टपल है, ठीक है. हमने वैल्यूज यहाँ पर को स्टोर कर दी. तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैपिंग होती है, जैसे यूजर आईडी में वन स्टोर होगा, यूजर नेम में दीपक स्टोर होगा, मोबाइल में दिस वैल्यू, ईमेल में दिस वैल्यू और एड्रेस में दिस वैल्यू, इस तरीके से आपकी वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है. और एक बात को हमेशा ध्यान रखें, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने यहाँ कॉलम नेम ज्यादा दे दिए और वैल्यू यहाँ पे कम दे दी, तो मैपिंग सही से नहीं हो पाएगी और एरर आएगी, ठीक है. अब देखो, देखते हैं एक बार, एरर देख लेते हैं, एरर कौन सी आती है. बिकॉज देखो, पहले तो ये ऑलरेडी एरर ही बोलेगा, बोला कॉलम काउंट डजंट मैच द वैल्यू काउंट एट रो वन. तो आपने क्या करना है कि इस एरर को सही से समझना है, एरर क्या कह रही है, उसके बाद ही अपने एक्शंस लेने हैं. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज पे लिखता है, ठीक है. चलो मैं फिर से रन करती हूँ. फिर से रन करा तो इसने बोल दिया आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम यूजर मोबाइल एट रो वन. मतलब जो मोबाइल नाम की वैल्यू है ना, यूजर मोबाइल नाम की जो ये वैल्यू है, इसको हमने क्या कर रखा था. चलो हम देख लेते हैं कि इसमें कैसा डेटा टाइप है. यूजर मोबाइल में डेटा टाइप है इंट, है ना. अब मोबाइल नंबर 10 अंकों का तो होता ही होता है. कल मैंने आपको वैल्यूज दिखाई थी कि इंट में अगर आप नंबर देखो तो समथिंग वो 4-1 इस तरह के कुछ नंबर था, मैक्सिमम जो नंबर स्टोर कर सकता है वो भी 10 अंकों का था. लेकिन मेरा जो मोबाइल नंबर है वो तो समथिंग 98765 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो इससे बड़ा अंक मैं उसमें कर दूं ना, डेटा टाइप चेंज कर दूं, ठीक है. अब देखो डेटा टाइप ऐसे तो चेंज नहीं होगा कि मैं यहाँ पे को जाके क्रिएट टेबल में डेटा टाइप चेंज कर दूं और चेंज हो जाए. होगा क्या, यहाँ पे कर दूंगी हो जाएगा. जैसे मैंने लिखा यूजर कहाँ गया, मोबाइल, यहाँ पर बिगिंट लिख दूंगी, हो जाएगा, नहीं होगा. इसके लिए आपको क्या, क्योंकि एक बार डेटा टेबल बन गई, वो बन गई, तो आपने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी. ओके, तो क्वेरी देखो, एक चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना. जब भी हम क्या करते हैं, कॉलम्स की डेफिनेशन, कॉलम्स का एड कॉलम करते हैं, कुछ भी हम कॉलम के साथ कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे को क्या करते हैं, ऑल्टर कमांड चलाते हैं, ठीक है, ऑल्टर कमांड. तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे ऑल्टर, ठीक है. ऑल्टर किसको करना है भाई, टेबल को करना है, ऑल्टर टेबल यूजर, ठीक है, ऑल्टर टेबल यूजर. हमने बोला मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई किसको मॉडिफाई करना है भाई, यूजर मोबाइल को मॉडिफाई करना है, ठीक है. यूजर मोबाइल को क्या कर देना है, बिग इंट कर देना है, ठीक है, बिग इंट. अच्छा ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना है मुझे, और तो कुछ मैं चाह नहीं रही उसमें ऐड करना. तो उसके बाद मैंने इस क्वेरी को रन कर दिया, मेरी क्वेरी रन हो गई. अब दोबारा से उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं टेबल का, क्या करेंगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन देखने के लिए DESC then user, okay? DESC then user means table का name. तो वो describe करने से, मतलब describe करना, देखो यहाँ पे को आ रहा है user mobile, अब आपका हो गया big end, okay? अब देखो describe करने के फायदे क्या हैं, आपको जाकर के ऊपर नहीं देखना पड़ेगा या फिर कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, describe जहाँ पे कहीं पे भी आप table का structure आप देख सकते हो, ठीक है. So it is a very means important query, this query, okay? चलिए अब मैं मेरी जो वैल्यू लिखी थी ना, मैं इसको रन करके चेक कर लेती हूँ, रन हो जाएगी अब.
क्यों हो जाएगी? बिकॉज मैंने जो यूजर मोबाइल था ना उसके लेंथ को अब बढ़ा दिया है, उसके स्टोरेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है? दोबारा से रन करते हैं, नाउ दिस वैल्यू इज इंसर्टेड, ओके? ठीक है बच्चों, अभी आप लोग क्या करेंगे, आई विल प्रोवाइड यू दिस लाइक ये जो आपका दैट स्क्रिप्ट है इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आप डेली आप एक नोट बना लेना, ओके? यू मस्ट मेक नोट्स, ओके? अब क्या करना है, अब मुझे ना वो वैल्यू देखनी है जो मैंने स्टोर करी थी. किसी को पता है कि व्हाट इज द क्वेरी? हाँ बोलो. हाँ बताइए, वैल्यूज को देखने के लिए कौन सी क्वेरी होती है? देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जब भी आपने टेबल को देखना है, दिस वॉज द टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है? नॉट टेबल वैल्यूज, लेकिन टेबल में वैल्यूज मतलब आपने उसका डेटा देखना है, डेटा को देखना है, चेक करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम हमेशा सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं. विच क्वेरी? सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टेटमेंट यू कैन से. सो दिस इज सिलेक्ट, ठीक है? सिलेक्ट, अब मुझे सिलेक्ट का देखना है, आपको नेम देखना है, यूजर नेम आई थिंक. अब मुझे ना याद नहीं रहा कि मैंने मेरे कॉलम नेम क्या क्या थे, भूल गई मैं थोड़ा सा. तो मैंने एक काम करा, मैंने ये डिस्क्राइब यूजर को यहाँ पे को ऑन कर दिया, अब इजी हो गया मेरे लिए. सिलेक्ट, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर यहाँ से लिख लेते हैं, मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी, कॉमा यूजर. मुझे केवल यूजर का नाम और यूजर का मोबाइल चाहिए, और चीज नहीं चाहिए, ठीक है? ओके ठीक है, मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिए. मतलब सिलेक्ट क्वेरी कैसे होती है, देखिए पहले मैं आपको सिलेक्ट क्वेरी का तरीका बता देती हूँ कैसे होती है. हम लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे को आएंगे कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, जो जो कॉलम्स होंगे वो सारे यहाँ पर को, जो जो आपको मींस देखने हैं वो सारे कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आपको बताना है कि किस टेबल से सिलेक्ट करना है, बिकॉज देखो यूजर नेम और यूजर मोबाइल किसी दो टेबल में भी तो हो सकते हैं ना, इसीलिए पहले से स्पेसिफाई है कि आप बताओ कौन सी टेबल में से देखना है. तो आपने बोला फ्रॉम टेबल का नेम, बस देन टेबल नेम, टेबल नेम हो गया, ओके. देन उसके बाद आपको पता ही है कि सेमी कोलन देना है बिकॉज हमारी क्वेरी खत्म हो गई है, ओके. तो हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर हमने दो कॉलम सिलेक्ट करे हैं सिर्फ, बताइए. Very good. From user. Okay. Run कर दो. You can see username and user mobile. Okay. Fine. अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा time ना बहुत waste हो रहा है. मैं ये चाह रही हूँ कि मैं सारे के सारे columns एक साथ देखूँ. इसके लिए किसी को पता है? बताइए. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है. तो मींस हम लोग अगर सारे कॉलम्स को एक साथ देखना चाहते हैं, वी विल डू सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट. देखो स्टार का मतलब ना ऑलवेज ऑल होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार? ऑल. मुझे सारे के सारे कॉलम देखने थे, सो आई पुट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ओके. तो द मीनिंग ऑफ स्टार इज क्या होता है? सिलेक्ट ऑल. Select all means जो star का जहां भी मतलब यहीं पे नहीं, आप कहीं और पे भी use करोगे star programming में कहीं पर भी, उसका मतलब होता है select all means वो सभी को select करता है, सभी को ले लेता है means, ठीक है? ऐसे आप CSS पे use करते हो, ऐसे आप Python में भी करते हो, okay? जब हम जाएंगे आगे तो we will discuss about it, ठीक है? Okay, ये तो हो गया. चलो fine. तो अभी आपने क्या करा? अभी आपने यहाँ पे को करा कि ठीक है, आपने इसको चेंज कर दिया है, और आपने इसका अभी एक और चीज आपने सीखा कि हाउ टू ऑल्टर. सो यहाँ पे को मैं क्वेरी लिख दे रही हूँ, टू चेंज डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम. कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने के लिए आप ये क्वेरी आप चला देंगे, ठीक हो गया, ओके. अच्छा, मैं ये भी चाह रही थी ना कि जब वैल्यू को एंटर करें, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि मेरे मेरी मतलब मैंने एक फॉर्म बनाया है सपोज, क्योंकि जब ये डेटाबेस ना देखो होता क्या है,
डेटाबेस की क्वेरीज आप क्या करते हो, फ्रंट एंड. फ्रंट एंड मतलब एक आपका रजिस्ट्रेशन का पेज होगा, ठीक है. वहां पे को आप नेम, जैसे आप बनाते हो ना, कई जगह आप वेबसाइट्स पे लॉग इन करते होगे, है ना. आजकल तो मैक्सिमम वही है कि लॉग इन आपको करना है, तो आपने क्या डालना पड़ता है, नेम या फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये करके आप क्या करते हो, उसको सबमिट करते हो, रजिस्टर कर लेते हो, करते हो. देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप टेबल बनाएंगे, ठीक है, ऑलवेज, तो उसमें जो आपका ये काउंट है ना, काउंट जो ये आईडी है ना, आईडी या फिर जो भी सीरियल नंबर 1 2 3 जो काउंट कर रहा है, और आईडी तो होगी, दैट इज ठीक है, वो होगी होगी, बट ये सीरियल नंबर जरूर होना चाहिए. आया समझ में? अभी हम देखते हैं कि हमने कैसा स्टोर करा है, ये सीरियल नंबर पक्का होना चाहिए, ठीक है. अभी ओके, योला नहीं देखते हैं हम, योला देख लेते हैं एक बार कैसे आ रहा है सीरियल नंबर. ओके, यूजर आईडी 1 2 3 करके आ रहा है, ठीक है ना. ये सीरियल नंबर होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो बाद में आपको मीन्स उसको काउंट करने में, मतलब काउंट आप कर लेंगे क्वेरी डाल के, बट ये होना चाहिए ताकि हम एक दो मतलब जो टेबल्स हैं उनको हम इजीली कनेक्ट भी कर पाए, ठीक है. अब मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे कि जो यूजर आईडी का जो कॉलम है ना, ये हम क्या करें कि इसमें मतलब हम लोग इसे ऑटोमेटिक ये फिल हो जाए, मतलब जैसे जो भी नया यूजर आता रहे, अब वो ये तो नहीं देखेगा ना कि हमारे डेटाबेस में कितनी एंट्रीज हो गई हैं. अभी देखोगे क्या बार बार, 250 हो गई है, 260 हो गई है, तो आप ये नहीं देखोगे, बस आप नेम डालो, मोबाइल डालो, ईमेल डालो, एड्रेस डालो, हो गया आपका काम. मींस आपको ये वाला फील्ड, क्योंकि ये तो क्या होगा, हर वक्त क्या होगा, एक प्लस होते रहेगा, होगा ना. तो उसके लिए क्या करेंगे, एनी आइडिया बबीता? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. देखो ये भी आपका एक तरीके का, ये कौन सा कमांड है, इसको भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, टू चेंज अ डेटा टाइप, ठीक है. देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे यूजर आईडी नाम के कॉलम पे. क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, ठीक हो गया. तो मैंने यहाँ पे को लिखा टू ऐड ऑटो, ऐसे लिख लो, ऑटो इंक्रीमेंट इन अ टेबल, यानी टेबल में नहीं करते, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में होता है, लेकिन किसी भी टेबल के एक ही कॉलम में आप ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हो, ठीक हो गया. ओके, देखो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर को फिर से वही करेंगे, क्यों, कॉलम में चेंज करना है ना, डेटा में तो चेंज नहीं करना, कॉलम में, कॉलम को ये बोलना है कि अगली बारी अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं तो आईडी को खुद ही आप बढ़ा देना, मुझे ना डालना पड़े, यही तो बोल रहे हो ना, है ना. तो हमने बोला ऑल्टर, क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल देन यूजर देन मॉडिफाई, ठीक है. मॉडिफाई किसको करना है, हमने दिस यूजर आईडी को. ओके, यूजर आईडी. अब यूजर आईडी को चलो ठीक है, वो इंट तो है ही है, ठीक हो गया. यहाँ पे आप मींस आप जो भी आपका दैट डेटा टाइप है, ये सब कुछ आप चेंज भी कर सकते हो. ओके, हाँ इंट तो है ही है वो. अब आपने क्या करा, यूजर आईडी इंट बोल दिया, अब इसको आपने बोल दिया ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक हो गया. चलो इसको रन करते हैं, ये रन नहीं हो रहा बिकॉज ये बोल रहा है ऑल्टर टेबल यूजर यूजर, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, दैट्स व्हाई, ठीक है. देखो कॉल यहाँ पे एरर क्या है, अननोन कॉलम यूजर आईडी, स्पेलिंग मिस्टेक था इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है. दोबारा से रन करते हैं, ये एरर आनी ही आनी थी. क्या बोला इसने, इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ की. आ गई ना कीज, आई वॉज लाइक मैं आपको बात कर रही थी कीज के बारे में, है ना. क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट, यानी कि जो मेरा कॉलम का डेफिनेशन मैं दे रही हूँ, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि यूजर आईडी को आप ऑटो इंक्रीमेंट कर दो, ये इसको नहीं करने को बोला है, बोल रहा है कि आप कुछ गलत डेफिनेशन इसको दे रहे हो, और ये बोल रहा है कि केवल कॉलम जो आपका टेबल होता है, टेबल में एक ही कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट होता है और वो भी एक की होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा तो इससे पहले हम की को क्लियर कर लें, ये की क्या होता है, व्हाट इज द की, उसके बाद हम आगे इसमें करेंगे, इसको ऑल्टर भी करेंगे. ओके फाइन, ठीक है. तो इसी के नीचे आ जाते हैं, ये तो गड़बड़ी हो गया ना कुछ कुछ. चलिए तो अब हमने इनको बोला कि ठीक है भाई, व्हाट इज द की क्या होती है. देखो की होती है 3 टाइप की, पढ़ी है तो बता दो, मुझे भी अच्छा लगेगा डैट जब आप नाम बताओगे. हाँ बताओ बताओ, प्राइमरी की और
और प्राइमरी की फॉरेन की, दो आंसर मेरे पे आ गए हैं। और कंपोजर आप कर सकते हो 3 कॉलम को, हाँ ठीक है, लेकिन हम उसको लाइक ठीक है यूनिक की, ठीक है यूनिक की, तो 3 टाइप की कीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। एंड नेक्स्ट वन इज कौन सी, फॉरेन, ये विदेश से आई है, फॉरेन की, विदेश से आई नहीं है मतलब दूसरी टेबल से आएगी, ठीक है बस ऐसे कुछ है, तो समझ जाना वहां पर जब बताऊंगी। एंड देन नेक्स्ट इज यूनिक की, यूनिक की, ठीक हो गया ओके। अब देखो जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, पहली बात प्राइमरी की, किसी भी एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होगी, ये रूल पढ़े होंगे आपने आई थिंक, है ना, तो आप बताएंगे रूल्स, व्हाट आर रूल्स फॉर दीज कीज। अ टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की, किसी भी एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होगी, ठीक हो गया, और प्राइमरी की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, है ना, यूनिक होगी वो वैल्यू, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगी, यूनिक होगी, और कभी भी प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो फर्स्ट है अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, ये पहली बात हो गई, ठीक हो गया। तो इसकी जो दूसरी बात है वो क्या है, अगली बात है कि अ कॉलम शुड है, नहीं, हाँ, द कॉलम शुड हैव, द कॉलम शुड हैव यूनिक वैल्यू, मतलब हर वैल्यू उसकी क्या होगी, अलग अलग होगी, उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तीसरी चीज है एनी फील्ड कैन नॉट बी नल, ना नॉट नलेबल, या मैं सीधे बोल देती हूँ उसको, नॉट नलेबल, मतलब आपने प्राइमरी की एक बार लगा दी तो आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते हो। ओके चलिए आते हैं फॉरेन की पे, ठीक है, जो फॉरेन की होती है ना, फॉरेन की ये प्राइमरी की से ही जुड़ी हुई होती है, मतलब कि किसी एक टेबल में आपने प्राइमरी की नहीं कह सकते हैं, सॉरी ऐसा भी नहीं बोल सकते, किसी दूसरे वाले किसी टेबल से जुड़ी हुई होती है फॉरेन की, ठीक हो गया, जिसको पढ़ेंगे तब समझाऊंगी। चलिए अभी हम प्राइमरी की को पढ़ लेते हैं, यूनिक की बता देती हूँ, फॉरेन की फिर बताती हूँ जब हम उसमें जाएंगे, ठीक है। तो यूनिक की क्या होगी, हैविंग अ यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू होगी, मतलब जो उसकी वैल्यू ऐसी होगी कि वो वैल्यू रिपीट नहीं होगी दो बार, मींस एक बार अगर एक वैल्यू स्टोर कर दी आपने तो वैसी वैल्यू दोबारा आप स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे को बोलूँ, जैसे हमारा ये क्या है, टेबल है, ठीक है टेबल है, तो यहाँ पे यूजर ईमेल है या फिर यूजर मोबाइल भी कह सकती हूँ, चले कोई नहीं, मोबाइल तो दो लोग यूज कर लेते हैं, यूजर ईमेल, ईमेल 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 की बात कर लेती हूँ, ठीक है। ईमेल क्या है ना, ईमेल भी हर किसी का अपना यूनिक होता है, मोबाइल नंबर भी यूनिक ही होता है ना, एड्रेस दो लोगों के सेम हो सकते हैं, दो लोग सेम जगह पे रहेंगे तो एड्रेस सेम होंगे, नेम सेम हो सकते हैं, आईडी तो खैर प्राइमरी की हो गई है, वो तो ऑलरेडी यूनिक ही है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं प्राइमरी की तो एक ही लगा सकती हूँ, क्योंकि उसकी भी मतलब एक डेफिनेशन है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, है ना, नॉट नलेबल होगी, है ना, और नॉट नलेबल होगी, यूनिक होगी, और क्या होगा, नल नहीं हो, नॉट, वही बात वही है, और क्या होगा बताइए, बताइए और क्या होगा, टेबल में सिर्फ एक ही होगी, है ना। अब हमने यूजर आईडी को जब बना दिया है प्राइमरी की, तो और किसी को बना नहीं सकते, लेकिन हमारा यूजर मोबाइल और यूजर ईमेल भी क्या होता है कि यूनिक होना चाहिए, है ना, तो हमने क्या करा, इसमें यूनिक लगा दिया, तो ये यूनिक की है, एक टेबल में ज्यादा यूनिक की हो सकती हैं, एक टेबल में ज्यादा फॉरेन कीज भी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की क्या होगी, एक ही होगी, ओके। अच्छा अब इसका हमें रिजल्ट आंसर मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे को ऑल्टर कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे हम ऑल्टर, वी वर डूइंग ऑल्टर हेयर, है ना। अब देखो आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया, ऑटो इंक्रीमेंट वहीं लगता है जहां प्राइमरी की होती है, तो लगा दो ना प्राइमरी की, लगा दो यहाँ पर, प्राइमरी की लग गई, ठीक है।
अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, रन करा हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल ऑल्टर हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, फिर से इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। वी विल डू डिस्क्राइब यूजर डीएससी सॉर्ट। देखिए आ गई ना इंट नलेबल, नो ऑटोमेटिक कर दिया उसने। हम अदर्स को भी, जिसको हम चाहें कि हमने इसको मीन्स नल नहीं करना है, तो उसको भी हम नॉट नलेबल कर सकते हैं। वी विल डू दिस। ओके, एंड की आपकी हो गई प्राइमरी की, एक्स्ट्रा इसमें लग गया ऑटो इंक्रीमेंट, फाइन। ओके, अब क्या करना है मेरे को, अब मुझे ऐसा करना है कि एक वॉर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट, क्योंकि हमने वाली जब बात करी है जो, तो हम इसको इंसर्ट करते हैं एक और वैल्यू को। तो इसकी बात हो गई है, यहाँ कहीं करते हैं, ठीक है। अब जब हम इंसर्ट करेंगे, हमने बोल दिया इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू। अब देखिए इंसर्ट इनटू के बाद मुझे डालना है यहां पर को यूजर, और यूजर के सारे कॉलम नेम। बट क्या हो रहा था कि मैं ये चाह रही हूं कि नहीं, मैं लिखना नहीं चाह रही उसको, मैं कुछ यहां से करूंगी। ये मैंने करा, गो देयर, कॉपी ऑल फील्ड नेम, ठीक है, यहाँ गए, कर दिया, बस आ गए सारे फील्ड नेम्स। यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, देन वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है, ओके, वैल्यूज में हम यहाँ पे को डाल देते हैं कृष्णा, ठीक है, एंड देन यूजर मोबाइल तो हम कुछ भी डाल देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यूजर ईमेल ठीक हो गया, लेकिन ये एरर को दिखा रहा है, बताइए मुझे, ये मैंने लिखा ईमेल, ये एरर रेड लाइन क्यों आ रही है इसमें, बताइए। हाँ नेम, हाँ अच्छा, पूरा फिल करूं, पूरा उसके कंप्यूटर को कैसे पता, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, डबल कोट्स का यूज होगा इसीलिए वो एरर दिखा रहा है ना, ठीक हो गया। तो एड्रेस में भी होगा ना, ठीक है, क्या लोहागढ़ लिख देते हैं, ठीक हो गया, ओके, चलिए अब नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, आई वॉन्ट कि एक ही साथ में 3-4 वैल्यू को स्टोर कर दू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे को करा, मैंने यहाँ पे को लिख दिया नीलम, ओके, एंड देन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ पे को लिख दिया, पूरा ही लिख देती हूँ नेम, ताकि मैं बाद में इसको यूज भी करूँ सही से, है ना, ये भी एरर दिखाएगा, तो हम इसे रख देंगे कहाँ पर, कोट्स में रख देंगे, वैल्यू है ना, मतलब जहाँ वैल्यू मीन्स वैल्यू नहीं, करेक्टर्स हैं उसपे, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया अल्मोरा, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर को बबीता, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, नंबर जो सॉरी ईमेल, ईमेल इज ओके, और ये मैंने लिख दिया अल्मोरा, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो एक ही साथ मैं इतनी सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकती हूँ, बस आपने क्या लिखना है, वैल्यूज, और ये वाला टप्पल लिखना है, कॉमा लिखना है, अगला अगला अगला, उसके बाद मेरी क्वेरी जहां पे खत्म हो जाएगी वहां पे मैं लिख दूंगी सेमी कोलन। अब इसको रन कर लें, देखो रन कहीं पे भी रख के कर, माउस कहीं पे भी कर्सर रखो आप वहां से रन कर सकते हो। आई एम रनिंग इट नाउ, 3 रोज अफेक्टेड, आपका जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है ना, ओके। अभिषेक आप बताओ ये डेटा मुझे देखना है, कैसे देखेंगे, ठीक हो गया, सारा डेटा देखना है तो स्टार करते हैं, सिलेक्ट स्टार, मैं इस क्वेरी को भी चला सकती थी, बस ऐसी रिवीजन के दैट मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये आपकी हो गई ना, देखो मैंने आईडी नहीं डाली थी, बट 2, 3, 4 ऑटोमेटिक आ रहा है, बिकॉज दिस इज ऑटो इंक्रीमेंट, गॉट इट, क्लियर है ना सभी को, बताओ
बताइए, कहीं पे प्रॉब्लम है किसी को? मैम सेलेक्ट कमांड दोबारा से समझा दीजिए. ओके ओके, देखिए आप, ओके ठीक है बताती हूँ. ठीक है, देखो सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट हम दो तरीके से करते हैं. और आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको नहीं आएगा ना कहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा. तो देखिए सेलेक्ट कमांड, ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से यहां से बताती हूँ. सेलेक्ट कमांड, तो सेलेक्ट कमांड कैसे करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले, मैं पहले कमांड लिख देती हूँ कमेंट में. कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता. अगर मैं यहाँ पे रख करके यहाँ पे कमेंट एग्जीक्यूट करूं तो ये ऊपर वाला होगा, ठीक है, उसको उससे मतलब नहीं है, बिकॉज इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. बीच में भी लिख सकते हो आप कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बट मत लिखना. देखो सेलेक्ट, देन उसके बाद सेलेक्ट के बाद हम क्या देते हैं, कॉलम नेम्स. कॉलम जो भी कॉलम होगा, कॉलम वन हो सकता है, कॉलम टू भी ले सकते हो, थ्री भी कर सकते हो, जो जो आपने कॉलम को देखना है उन कॉलम के आप नाम लिख देंगे. कॉलम फोर, ओके. देन उसके बाद बताओ फ्रॉम कहां से, फ्रॉम उसके बाद टेबल नेम, ठीक हो गया, हो गया. फिर सेमी कॉलन, तो हम एक बार फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर आईडी, यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, ओके. देन बताना है कहां से. देखो सिंपल सी वाली, सिंपल बिना ग्रामर की इंग्लिश, सिंपल वाली, प्लेन वाली इंग्लिश है बिल्कुल ही. सिलेक्ट कर दो, इसको सिलेक्ट कर दो, कहां से कर दो बता दो, कहां से करना है, कौन सी टेबल में है, ये यूजर नाम की टेबल में है, तो यहां से इसको सिलेक्ट कर दो. इसने कर दिया सिलेक्ट, दिखा दिया मुझे. अच्छा, अब मैं चाह रही थी कि ये पूरा सिलेक्ट कर दो भाई, सिलेक्ट ऑल कर दो, ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं, तो और भी सिंपल है, सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहां से, चलो मैं इसको भी लिख देती हूँ, ठीक है, क्वेरी को भी हम ऐसे लिख देते हैं. तो हमने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उसके बाद टेबल नेम. वैसे मैं इनको ऐसे लिखना चाहती हूँ ना, मतलब इसका मतलब ये होगा जहां पर को मैंने ये एंगल साइन लगाए हैं इनका यूज नहीं है, इसके अंदर टेबल का नाम आएगा, मतलब ये होगा, ये एक तरीके से वेरिएबल है. आए समझ में, मतलब यहाँ पे कोई ये टेबल नेम नहीं लिखोगे अपनी क्वेरी में, यहाँ पे टेबल का नाम लिख दोगे. जहां भी एंगल लिखे होंगे उनको यूज नहीं करते हैं, वो हमेशा नोटेशंस के लिए होते हैं, ठीक है. तो चलो अब हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ठीक है, यूजर से सिलेक्ट कर दो सभी को. सीधे सीधे बात में आप क्या बोलते हैं, सभी को सिलेक्ट करके दिखा दो. सिलेक्ट, सिलेक्ट करो सभी को यूजर से, मतलब इस तरीके से कुछ इंग्लिश बन रही है, सभी को दिखा दो, ठीक है. ये हमने कर दिया, इसने सारे के सारे रोज और कॉलम सबको शो कर दिए. अच्छा चलिए, अब क्लियर है, क्लियर है ना. एक्टिकल, इन्होंने बहुत क्वेरी करी थी आपको, क्लियर है ना ये, ओके फाइन. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो अब मुझे ये करना है कि जो बच्चे लोहाघाट से हैं, मुझे बस उन्हीं का डेटा देखना है, ठीक हो गया. मैं ही चाहती हूँ कि पहले मैं देख लूँ, चलो लोहाघाट का, फिर हम अल्मोड़ा का भी देखते हैं, कि मैं ही चाहती हूँ कि एक बार मैं देखूँ कि लोहाघाट से कौन कौन बच्चे हैं, हम उन लोगों को देख लेते हैं, ठीक है. तुमने बोला कि अब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज, अगर मैं बोलूंगी मतलब कि एक तरीके से कंडीशन है ना, वेयर कमांड, वेयर कमांड, ठीक हो गया. सिलेक्ट, सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टार फ्रॉम यूजर, इतना तो सबका सेम ही था ना. मैंने बोल दिया वेयर, जहां यूजर का जो एड्रेस है. देखो जब आपको कॉलम नेम याद नहीं होते, ऐसे एक सिलेक्ट क्वेरी चला लो या फिर डिस्क्राइब चला लो, नीचे नाम आते हैं, इजी हो जाता है. एड्रेस, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, ये कोट्स में आएगा. अब मैं वैल्यू लिख रही हूँ, ये कॉलम का नाम था, कॉलम का नाम एक एज अ वेरिएबल का नेम है, और जो वैल्यू है, अगर वैल्यू लिखते हो वो हमेशा कोट में आएगी, अगर वो स्ट्रिंग है तो. लोहाघाट सिलेक्ट करो यूजर, सिलेक्ट करो यूजर से जहां पे जो एड्रेस है वो लोहाघाट है. देखो आया. अब सिमिलरली हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे,
select star from user where user address is equal to Almora. अच्छा एक चीज देखते हैं, चलो पहले मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है? Almora, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ Almora, ओके? अब इसको रन कर देते हैं. इट इज शोइंग, क्यों दिखा रहा है अभी भी रिजल्ट? बिकॉज यहाँ स्मॉल ए है बट यहाँ कैपिटल ए है. बताओ, देखो MySQL क्या होता है ना, केस सेंसिटिव नहीं होता. इन दोनों Almora का मतलब एक ही था उसके लिए, इसलिए ठीक है. बट आगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको प्रॉब्लम हो पाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए यहीं से आप बिल्कुल अपने अपने आप को मीन्स लाइक इन रूल्स को आप फॉलो करना कि केस इनसेंसिटिविटी मत करना, ठीक है? तो ये आपकी क्या हो गई, वेयर कमांड. यहां तक सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी ना? चलो ओके, अब एक काम करते हैं. मैं आपको कुछ क्वेरीज दे रही हूँ, आपको क्वेरीज बनाएंगे, ठीक है? एक टेबल स्ट्रक्चर दे रही हूँ, टेबल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे. इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है? आपका यूजर बन गया, अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट बनाएंगे, लॉग इन, लॉग इन आईडी, लॉग इन रिपीट. चलिए आप ऐसा करिए, पहले आप इतना तो बनाइए, इसी यूजर टेबल को ही बनाइए. आप एक काम करिए, इस यूजर टेबल को बनाइए, ठीक है? क्वेरी क्या है, फर्स्ट आपको क्या करना है कि 5 लोगों का डेटा एंटर करना है. देखो आपने यूजर टेबल बनानी है, आपको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से दूंगी. यूजर आईडी आपका होगा इंट, ठीक है? और ये हो जाएगी प्राइमरी की, ऑटो तो होगा ही होगा, ठीक है? उसके बाद बनाएंगे आप यूजर नेम, यूजर नेम वही हो गया वेयर केयर, और यहाँ पे को यूजर नेम में कितने आएंगे आपके 20, ठीक है? उसके बाद आप बनाएंगे यूजर मोबाइल, इसको भी एंटी करेंगे एट स्टार्टिंग, ठीक है? उसके बाद आपका आ जाएगा यूजर, ये कल का काम है, मुझे भेजना है कल को, आप कल मतलब आज भेज देना आप यूजर ईमेल, देयर शुड आल्सो बी वेयर केयर, और इसकी लेंथ आप केवल देंगे 14. उसके बाद आप बनाएंगे यूजर एड्रेस, इसमें आप चाहे तो अपना अपना जो एड्रेस है वो फुल एड्रेस दे सकते हैं, ये वेयर केयर रखेंगे, वेयर केयर नोट कर लेना 255, ठीक है? ये आपकी टेबल हो गई, नोट कर लिया? अब आगे मैं आपको क्वेरीज दे रही हूँ, ठीक है? कुछ क्वेरीज दे रही हूँ. फर्स्ट क्या होगी, इंसर्ट करेंगे 5 रोज, इंसर्ट 5 रोज. सेकंड करेंगे ऑल्टर, 5 रोज तो पहले होगी नहीं क्योंकि आपको पहले ऑल्टर कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है? ऑल्टर यूजर मोबाइल टू यूजर मोबाइल को बिग इंट करना है, बिग इंट लिख लो इसको अपनी भाषा में, बिग इंट करना है, ठीक है? उसके बाद 5 लोगों का डेटा एंटर करना है, इंसर्ट अपने दोस्तों का सबका कर दो, ठीक है? उसके बाद ऑल्टर करना है जो यूजर का ईमेल है उसकी लेंथ को, यूजर ईमेल की एड्रेस लेंथ को आप कितनी दी थी, मैंने 14 दी थी ना, 14 से आपने उसको कितनी करनी है, 25 कर देनी है, ठीक हो गया? और दूसरी चीज क्या करनी है आपने, प्राइमरी की ऐड करनी है, या पहले कर देना, प्राइमरी की ऐड करनी है कहाँ पर, यूजर आईडी में, यूजर आईडी में स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसको ऐड, ठीक हो गया? और फिर उसके बाद आप डिस्क्राइब कमांड चलाएंगे, सिलेक्ट कमांड, दोनों तरीके से चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार भी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आप एक बारी में, जो फर्स्ट बारी में सिलेक्ट करेंगे वो क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट बारी में सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि इस ये यूजर का
नाम क्या है और ये यूजर का एड्रेस क्या है, कहाँ का है वो, ठीक है। अगली क्वेरी चलाएंगे, वही वाली क्वेरी चला दो कि कौन अल्मोड़ा से है एंड कौन लोहाघाट से है। दो अलग अलग दो क्वेरी इसकी चलेंगी, अल्मोड़ा लोहाघाट दोनों जगह का डेटा इस तरीके से आप डेटा फिल करेंगे, अल्मोड़ा लोहाघाट लोकेशन डालेंगे एड्रेस पे, या फिर आप अकॉर्डिंगली देख लेंगे अल्मोड़ा से कौन है लोहाघाट से कौन है, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपने कल मुझे दिखाना है, मतलब भेज देना आप लोग, ओके ठीक है। जी हाँ हाँ, ग्रुप पे भेजिए, ठीक है, ग्रुप पे वो क्वेरीज आप भेज दीजिए, क्योंकि इतना यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा ना मुझे देखने का, तो आप ग्रुप पे क्वेरी भेज दीजिए, क्वेरी को फोटो, फोटो क्वेरी की फोटो भेज दिए, दैट इज इनफ, फोटो या पीडीएफ दैट इज इनफ, ठीक है, या फिर ओके इतना कर लीजिए, ठीक है ना। ओके 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 ओके, व्हाट इज नाउ, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। एवरीवन इज ओके ना, ठीक है। तो मैं आपको ये डेट रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, जिसको प्रॉब्लम होगी वो बता देना, ठीक है बच्चों।